बॉडी में कोई पंप बाकी नहीं रहना चाहिए। सो यो माय गैंग, व्हाट्स अप, आई होप्स कि आप सब लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम लोग काफ़ी पावर पैक मॉर्निंग के साथ में रेडी हो चुके हैं। थोड़ा पंप वंप ज़्यादा होना चाहिए ना, क्या अपनी इतनी बॉडी नहीं है, लेकिन ऐसे तो है। लेकिन दासू ब्लॉग होने वाला है आज का। हम लोग मिलने वाले हैं एक ऐसे पावर पैक इंसान से जिसका नाम है, इनको इनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, IFBB प्रो बोले तो मनोज पाटिल। बॉडी रिलेटेड ऐसा कुछ वर्कआउट शर्कआउट का वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं यार कैसे और क्या होने वाला है, लेकिन जो भी होने वाला है बेस्ट होने वाला है, बहुत मजे करेंगे इस व्लॉग में। आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो, बहुत हंसी मस्ती होने वाली है, मजाक मस्ती सब कुछ होने वाला है। तो इस पावर पैक व्लॉग के लिए एंड तक देखना जरूर, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो भैया मेरी माँ का तबीयत खराब है भैया, ऐसा इंसान नहीं हूँ भैया, आपका दिल जो देना होगा दो, वरना लाइक करो फॉलो करो। उनको नोटिफिकेशन भी जाएगी। यार बादल, हमारी बादल पूरे ऐसे हमारे यहाँ तक चिपक गए, रुको दिखाता हूँ आपको। इसका एक ड्रोन शॉट लेते हैं गाइस, चलो चलो फटाफट। तो क्या बोलते भाई लोग, मजा आया ना? चलो अभी मैं रेडी होता हूँ और फटाफट जाते हैं अपन मनोज भाई के रूम पर, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अभी मैं उनको बताऊंगा नहीं कि मैं आ रहा हूँ वहाँ पर, तो मैं उनको बताऊंगा नहीं कि मैं आ रहा हूँ वहाँ पर, बस हम लोग एक्सीडेंटली जाएंगे और चुपके से उनकी एक वीडियो निकालेंगे मस्त से, लेकिन देखेंगे जरूर। चलो मनोज भाई, आई एम कमिंग। ये तो सो रहे हैं। One eternity later. Yo bro, good morning. मैं आ गया क्या भाई तू? अब ब्लॉगर भाई। अपुन आ गया, अपुन की एंट्री हो चुकी है। आ गया क्या? चलो भाई आ गया। बहुत सोने का मन कर रहा है, बहुत ब्यूटीफुल क्लाइमेट है मुंबई में, ऐसा क्लाइमेट होता नहीं है, तो इसलिए बहुत तगड़ी नींद आ गई मेरे को, लेकिन अभी भाई आ गया तो चलो चलना पड़ेगा। Yes, welcome to सातारा सिंगम, welcome to ठंडी ठंडी हवा। चलो तो इस खास वेलकम के साथ में अभी मनोज पाटिल भाई के साथ में अभी जस्ट उठे हैं वो, मैंने एक्चुअली मैं उनको डिस्टर्ब किया है, उठाया है मैंने उनको, लेकिन जैसे तैसे अभी उठे हैं। चलो वैसे देखते हैं कि ये फ्रेश होते हैं तो क्या क्या करते हैं क्या नहीं। हाँ है ना, वैसे इस फेयरनेस का राज क्या है ब्रो? ये तो भैया पानी नेचुरल सब में हर जगह आता है घर पे, बस ले रहा अब प्लेस में बांध देगा। ओनली पानी? नहीं भाई, पानी ओनली, कुदरत का पानी, कुदरत ने दिया पानी लगाने का, और चमकने का, चमकने का बात। हम लड़कियाँ थोड़ी है, ये बात तो है। छे लड़के लोग क्या करते ना, बाहर से क्रीम लगाते, बाहर से सब कुछ चीज़ें करते हैं, और उनको लगता है कि बाहर से हम लोग कुछ स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे ना तो स्किन चमकेगी, बट ये गलत है। तो जितना आप चीज़ें अंदर खाओगे, अंदर डालोगे उतना। अभी लड़के क्या कहते हैं, विटामिन सी सिरप लगा देना, ठीक है? अब विटामिन सी सिरप लगाने के बाद ये स्किन पे अंदर जाएगा क्या? कोई भी चीज़ जाएगी क्या अंदर, मेरे को बताओ? तो उससे अच्छा वो चीज़ आप खाओ, वो जाएगी अंदर, वो लीवर किडनी उसको फिल्टर करेगी, फिल्टर करने के बाद उसका जो बेनिफिट है वो अपने ब्लड में जाएगा, जब ब्लड में जाएगा स्किन अच्छी होगी, एज सिंपल एज दैट। लड़के लोग बोलते हैं आपकी स्किन इतनी अच्छी है, स्किन इतनी अच्छी है, तो आप क्या खाते क्या लगाते हो? अरे लगाने तो कुछ नहीं होता भाई, अंदर डालना पड़ता है। जब तक आप अंदर डालोगे नहीं, अंदर डालोगे मैं तब तक अंदर डालो, विटामिन देते अंदर नहीं डालोगे कुछ नहीं होगा, अंदर डालोगे तो पूरा सब कुछ होगा। अबे अंदर भी अंदर, बॉडी के अंदर, समझे क्या? बॉडी के अंदर भी की लैंग्वेज है, अंदर डालो। अच्छा चलो चलो फटाफट रेडी होते हैं।
कि आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि इतना फ्रेंडली जोन ऐसे कैसे क्या क्रिएट हो सकता है, ऐसे पुरानी पहचान है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट हम लोग आधे घंटे पहले मिले हुए थे, मतलब ऑन ओपनिंग, लेकिन नेचर सही है ब्रो, सही है। तो वैसे इसके लिए कुछ ऐसा गमन वमन तो है नहीं, वैसे मैंने ये कैप्चर भी किया है, और अगर ऐसा कुछ होता तो मैं ज़रूर बोलता आपको, वैसे आप लोगों से झूठ नहीं बोला, लेकिन रियली डाउन टू अर्थ पर्सन है। वैसे मैं ऑन कैमरा भी रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ और ऑफ कैमरा भी, तो करेंगे आप। चलो अभी हम लोगों का जस्ट प्लान हुआ है कि हम लोग जाने वाले हैं एक डिनर के लिए, और बेसिकली अभी मेरे साथ में है आईडी फिटनेस के ओनर सागर, और यहाँ पर है यो मैन दामचा मैडम, दिल्ली आई था तुमच्या बरोबर, सब्सक्राइब करिया। अरे इट्स ओके, मतलब सतारा तो मराठी निकल जाता है, मराठी चालेल की चालेल ना, आहे ना चालेल ना मराठी, त्यांनी काय ते मस्त प्लान केलेला आहे, मस्त मटन का प्लान किया हुआ है, सॉरी अगेन। अभी हम लोग जाने वाले सब मिलके, सागर भाऊ आहेत, शेरकेन भाऊ आहेत, आणि और हिंदी में फिर और भाऊ आहेत, आशीष भाई है यहाँ पे, तो हम लोग अभी जाने वाले हैं और बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत मस्ती करने वाले हैं, और नेचुरल हमारा जो व्लॉग है, हम लोग जैसे हम लोग खाते हैं वैसे हम लोग लोगों को बताएंगे कि हाँ, दिस इज लाइफ। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये बात है कि हमारा जन्म हुआ इस मिट्टी में और हमें खत्म भी होना है इस मिट्टी में, तो हम लोग मिट्टी के अंदर बैठ के खाना खाएंगे, ऐसे खाएंगे जैसे हम नेचुरल लोग, जैसे हम लोग खाते हैं वैसे दिखाएंगे। यस लेट्स गो। और वैसे भी मैंने इन द बिगिनिंग आप लोगों को बताया था ये बॉडी बिल्डिंग के रिलेटेड नो, ऐसा कुछ नहीं है, जो रियल है वही आपके सामने है। एग्जैक्टली, और आप लोगों को पता चलेगा कि मनोज सर कितना बोलते हैं। मैं बहुत बोलता हूँ, कभी हिंदी कभी मराठी कभी तमिलनाडु सब बोलता हूँ। तमिलनाडु में कुछ हो जाए अंदर पौंदा वो अंटा वामा स्मृति मंदाना मातना, आई लाइक, समझ गए ब्रो, आई लाइक हर, समझ गए गाइस। तो हम लोगों ने एक चीज नोटिस की कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर इनकी फैन तो है ही, और हम लोगों ने जो क्राउड देखा है ना ब्रो, सब लोग मेरे भाई भाई लोग, आई कॉल माय फैंस, एवरीबॉडी कॉल फैंस को फैंस, बट आई कॉल माय ऑल फैंस देयर माय ब्रदर्स, बिकॉज़ दे सपोर्ट मी लाइक अ ब्रदर, सो आई लाइक टू कॉल देम एज अ ब्रदर। यस डेफिनेटली, बट जो क्राउड इनको फॉलो करता है ना, तो वो सतारे के अंदर काफी बड़ा था, मतलब जिम के अंदर हद से ज्यादा क्राउड था, यहाँ पर भी अभी हम लोगों ने एक मेंस वेयर जो था वहाँ पर भी गए थे, वहाँ पर भी सेम क्राउड था, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम इट्स कितने 10 PM, और अभी हम लोग जा रहे हैं रूम पर थोड़े सा फ्रेश वेश होंगे और जस्ट जाएंगे ऊपर मींस कहां, लेट्स गो, आई कांट वेट टू गो देयर वी टू डेफिनेटली, और हम लोग अभी ऊपर जाने के टाइमिंग पर सही सीन रिकॉर्ड करेंगे और आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। चलो मिलते हैं ऑन एनी वे। ओके सो जस्ट वी केम हियर ऑन अ होटल, और ये काफ़ी अच्छा नॉर्मल प्लेस है, इसका कोई बोर्ड वोड नहीं है, और काफ़ी अच्छा है, मतलब अभी फूड क्वालिटी तो हम ऑब्वियसली देखेंगे। How's the food? Food is amazing. I can say कि हम लोग नॉर्मल फूड ऐसे मुंबई में बहुत खाते हैं, जब होटल में जाते हैं फाइव स्टार होटल में खाना खाते हैं, बट दिस इज रियल फाइव स्टार फॉर मी, यू नो, एंड आई एम रियली कनेक्टेड टू दिस प्लेस बिकॉज आई बिलोंग की, मतलब मैं अगर तुम मुझे बोलोगे ना नीचे बैठे जमीन पे खाने, तो मैं खा लूँगा, बिकॉज मेरी मिट्टी के साथ में बैठे खाने की अलग ही मज़ा है, यू नो, एंड दिस मटन इज़ लाइक अमेजिंग, एक मम्मी वाली याद आती है, एक मतलब हमारा जो घर में जो होता है उसकी याद आती है, तो आई एम रियली इन्जॉइंग दिस फूड, एंड डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फूड आई कैन से। तो जो भी बातें होगी तो वो उसके अंदर रिकॉर्ड होती रहेगी और खाना भी चलता रहेगा। यस हम लोग हर टाइम पे मुंबई हमारे घर में तो बनता है, नो डाउट, बट
जब तक मैं इंटर पे नहीं खाना खाती थी ना, नहीं खाते थे हम लोग, गाँव आना पड़ता था खाने के लिए। आई एम फ्रॉम हड़प्सर, तो मतलब मेरे को वहाँ पे आके खाना पड़ता है। हमारा शॉप है बिलीव द न्यूट्रिशन शॉप, उसने टैटू बना लिया गया, उसने यहाँ पर टैटू बना लिया बिलीव का लोगो विथ हिज प्रॉपर आर लोगो और बिलीव, इट वॉज लाइक परफेक्ट। आई वॉज टू स्पीचलेस, उन मेरे को मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो मेरे लिए वो स्पीचलेस था। एक और एक बंदा है नासिक का, मैडी, उसने मेरे दूसरे ब्रांड का भी बनाया था, अपैरल ब्रांड का, मनोज पाटिल मिस्टर फिजिक, उसने मेरा पूरा लोगो बनाया था, मेरा पूरा बॉडी और लोगो। ओके थैंक यू, बघा लगा लगा पण एकदम मस्त पोट भर एकदम। या कडेने सांगितलं मुंबई वरने येणार आहे, तो थीम है एक रिकॉर्ड तो मैंने किया है जितना हो सके उतना, मैंने तो सिर्फ स्टिल लगाया हुआ था उसके ऊपर, लेकिन अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और वो जो लगाया हुआ था उसके पीछे म्यूजिक बजेगा, म्यूजिक आपको कुछ सुनने नहीं मिलेगा, हम लोग क्या बात है की। ओके सो गाइस, अभी जस्ट सारे बाकी सारे लोग गए हैं होटल पर और आई एम जस्ट नॉट फीलिंग वेल विथ माय आईज, दैट्स व्हाई आई वेंट होम एंड आई वांट टू टेक अ रेस्ट। और काफ़ी मज़ा आया इस आज के इस व्लॉग में, मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और ऐसे लोगों से मिलता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और सच में एज ए पर्सन वो बंदा बहुत ग्रेट है यार, बहुत ग्रेट है, मतलब कि मेरी पहचान कुछ सिर्फ आधे घंटे की होगी, दैट्स कि आई वाज जस्ट टेकिंग पिक्चर और बाकी नथिंग एल्स, लेकिन द वे ही ट्रीटेड अस लाइक रियली रियली ग्रेट, बिकॉज कोई इतने जल्दी फ्रेंड नहीं बनता है और कोई किसी के अंदर इतना ज़्यादा मतलब फील नहीं कंफर्टेबल फील नहीं करता है दैट कि वो उसका फ्रेंड बन सके, बट ही मेड इट और बहुत अच्छे से ट्रीट की, बहुत अच्छे से बात की एंड द वे ही टॉक, इट्स टोटली मतलब अलग ही चीज़ है। और आई कैन सी इन हिज आईज लाइक पोटेंशियल अबाउट हिज बॉडी और बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत, मतलब हर एक चीज़ उसके बारे में ग्रेट है बस। और ऐसे एथलीट्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते रहना, और आपने तो देखा ही होगा इस व्लॉग को, अगर आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब टू अवर चैनल, रिंग द बेल आइकॉन और सपोर्ट के लिए शेयर जरूर करना। एक्चुअली आई वाज लाफिंग अबाउट दिस थिंग कि मैं काफ़ी शॉक हूँ कि यार सिर्फ आधे घंटे की मीटिंग थी और बंदा मोर देन अ फ्रेंड, मतलब इतने अच्छे से ट्रीट कर सकता है, मतलब कि कितना है मतलब। और एक चीज़ कि जितना वो बोलते हैं ना कि काफ़ी लोग मैच्योर होते हैं, काफ़ी लोग ऐसे मतलब दिल से बच्चे टाइप होते हैं, तो वैसे सच में है प्योर हार्टेड इंसान है, तो वो भी खुल के हंसता है, खुल के बोलता है तो वो भी है, मतलब आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट हिम, इट्स मेकिंग मी स्माइल, तो काफ़ी अलग चीज़ थी। सो आई होप कि और आप लोग भी देख रहे होंगे तो वीडियोस, आई लव यू सो मच गाइस, और इन फ्यूचर हम लोग ज़रूर मिलेंगे, बट सीरियसली यू गाइस आर ग्रेट। और बस अगर और बाकी सब्सक्राइबर के साथ साथ मनोज भाऊ को भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब टू अवर चैनल, रिंग द बेल आइकॉन और सपोर्ट के लिए शेयर जरूर करना। सो मिलते हैं गाइस इसी एक 10 ब्लॉग के साथ में फिर से, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।